शुक्रवार को सुबह अस्सी घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पितृपक्ष के पखवारे में पंडित श्री प्रकाश पांडे के आचरित्र में ब्राह्मण घर द्वारा मंत्रोच्चार के साथ देश की स्वतंत्रता में सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली क्रांति वीरों के लिए तर्पण किया गया। देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने अनेक क्रांति वीरों का जैसे आजादी ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सावरकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सूर्य सेन जी जैसे अनेक ज्ञात अज्ञात क्रांति वीरों के लिए पिंडदान तर्पण पूजा पाठ कर ईश्वर से उन आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर उन महान आत्माओं को नमन कर भारत की सुख शांति समृद्धि की कामना का आशीर्वाद मांगा गया। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने किया, धन्यवाद शंकर साहनी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, श्री प्रकाश शुक्ल, दिनेश कालरा, पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, पार्षद राकेश जायसवाल, मिठाई लाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अमरीश जायसवाल, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, ब्रजेश्वर त्रिपाठी, लल्लू भरत निषाद आदि लोग उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति हम सब अपने उन क्रांति वीरों का तर्पण और पिंडदान के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस आज़ादी के स्वतंत्रता के महायज्ञ में सर्वस्व अपना न्यौछावर करके हम भारतवासियों को स्वतंत्रता दिलाई थी। हम काशीवासी उनको इस पितृपक्ष के अवसर पर जैसे अपने पुरखों को पूर्वजों को याद करते हैं, वो भी हमारे पूर्वज हैं, जैसे उन्होंने हमारे लिए निस्वार्थ भावना से भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे एक उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए सभी भारतवासियों के अपने प्राणों की आहुति देकर, जीवन में जो सबसे बहुमूल्य चीज होता है प्राण, उसकी आहुति देकर के हम सबको स्वतंत्रता दिलाई। इसके निमित्त हम उनका तर्पण और पिंडदान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं कि भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो, इस आशीर्वाद की उनसे कामना करते हैं अपने क्रांतिवीरों से।